आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, चारों खाने चित होना। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम चारों खाने चित हैं। मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आपको बताने जा रहा हूं अपने स्कूल के दिनों की बात। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था जहां पर रोज सुबह प्रार्थना सभा होती थी। एक ऐसी ही प्रार्थना सभा में एक दिन प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को 100 रुपए का नोट दिखाया और पूछा कि कौन बच्चा इस 100 रुपए के नोट को चाहता है। सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने उस नोट को मोड़ा तरोड़ा, उसको अच्छी तरह से मोड़ दिया और उसके बाद बच्चों से पूछा, अब बताएं इस नोट को कौन चाहता है, मैं उसे एक ही बच्चे को दूंगा। तब भी सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने उस नोट को नीचे मट्टी में लगाया और मट्टी में लगाने के बाद बच्चों से पूछा, अब बताएं ये नोट किसको चाहिए। तब भी सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रिंसिपल साहब बोले, आपने देखा ये नोट कैसी भी हालत में था, कैसी भी स्थिति में था, आप सब इसको लेना चाहते थे। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस नोट की जो कीमत थी 100 रुपए, वो कम नहीं हुई थी, इसलिए आप सब लोग इस नोट को लेना चाहते हैं। उस दिन गाबा टेस्ट मैच को देखते हुए मुझे प्रिंसिपल साहब की बात याद आ गई। भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी इसी सीरीज में और उस दिन सभी लोगों ने इस टीम को नकार दिया था। लोगों की उम्मीदें टूट गई थी। जितने क्रिकेट के जानकार हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन सब ने भविष्यवाणी कर दी थी ये टीम 4-0 से हारेगी। सोचिए उस समय उन खिलाड़ियों की मनस्थिति क्या रही होगी जब हम लोग अपने पास पड़ोस, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों का प्रेशर नहीं झेल पाते। उन खिलाड़ियों के ऊपर 130 करोड़ की जनता की उम्मीदें थी, उनका प्रेशर था। टीम के कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक व्यक्तिगत कारणों से वापस आ गए थे, कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके थे। जब सारी परिस्थितियां विपरीत थी उस समय इस टीम ने बाजी पलटकर इतिहास रच दिया। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आए जब आप अपने को चारों खाने चित पाए, तो इस 36 ऑल आउट के बाद जो इतिहास रचा गया है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जीवन हर किसी को दूसरा मौका जरूर देता है। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने को मानसिक रूप से संतुलित रखना, ताकि जब आपको दूसरा मौका मिले तो आप बाजी पलट सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो जो आपका दिल कहे वो कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।